अस्सलाम वालेकुम। मैंने कुछ 30-32 साल पहले इकॉनमी के ऊपर रिपोर्टिंग करनी शुरू की थी और इन 30-32 सालों में मुसलसल पाकिस्तान की इक्तसादी सूरत हाल में कंटिन्यूस डिक्लाइनिंग ट्रेंड ही देखा है। हर 4-5 साल के बाद लगता है कि पहले 4-5 साल जो गुजर गए थे वो शायद ही मौजूदा सूरत हाल से बेहतर वाले थे, लेकिन जो सूरत हाल अभी देख रहे हैं पाकिस्तान में, शायद ये बदतरीन एक सिचुएशन है जिसमें आज पाकिस्तान खड़ा है। जब मौजूदा हुकूमत ने नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हुकूमत संभाली और इमरान खान को चलता किया तो इनका दावा यह था कि हम पाकिस्तान को बचाने आए हैं और पाकिस्तान की इक्तसादी सूरत हाल में बेहतरी करनी है, इसलिए हम आए हैं और सियासत अपनी हमने कुर्बान पाकिस्तान की खातिर कर दी है। मेरा इससे तासुर मुख्तलिफ था। मेरा ख्याल ये था कि ये इस्टेब्लिशमेंट की एक अरेंजमेंट थी जिसमें इमरान खान जिस तरीके से 2013-14 से उनके कंधों पर सवार होकर कभी धरना करते थे डी चौक में, कभी फैज़ाबाद में कुछ हो जाता था, तो ये स्टेज है जो एक नेक्स्ट लेवल पे आ गई है। पहले तो इमरान को हुकूमत मिल गई थी लेकिन 3-4 साल के बाद अब वो आउट ऑफ फेवर हो गए और वही कुछ जो कुछ इमरान खान उनके लाडले प्यारे बन के पाना चाह रहे थे वो इन्होंने 3-4 साल तो इन्जॉय कर लिया, अब वो शहबाज शरीफ उसी चीज़ को इन्जॉय करने आए। लेकिन क्या इतनी बदतरीन इक्तसादी परफॉर्मेंस ये देंगे, इसकी शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये कुछ होगा पाकिस्तान में। मैं 13-14 से अगर स्टार्ट करूँ तो 13-14 में हम आज से बहुत बेहतर खड़े थे। सी पैक पाकिस्तान में कहा जाता था कि गेम चेंजर होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी को आगे लेकर चलेगा, लेकिन हमने उस मौके को गवा दिया। क्यों गवा दिया? क्योंकि उस वक्त जिस नवाज़ को आईजीआई के ज़माने में खड़ा किया गया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इकदार से दूर रखने के लिए, या पीपल्स पार्टी के मुकाबले में नवाज शरीफ को बनाया था इस्टेब्लिशमेंट ने, उस नवाज शरीफ को अब सियासत से दूर करना था। तो 2014 में डी चौक में जो धरना था इमरान का, उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी, इमरान उसके बेनिफिशरी थे। पाकिस्तान की इक्तसादी सूरत हाल ऊपर जाती है या नीचे गिरती है, इसके मतलब किसी ने सोचा नहीं। अपनी ताकत का गलत अंदाज़ा बाज़ लोग लगाते हैं और बाज़ इदारे भी लगाते हैं, उनका ख्याल होता है कि हम हर मुश्किल में पाकिस्तान की सूरत हाल संभाल के आगे निकल जाएंगे। सी पैक में 60-65 अरब डॉलर की जो सरमायाकारी आनी थी वो पाकिस्तान को ऊपर उठा सकती थी, और पहले मरले में रोड्स बननी थी, पावर सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया गया, उसके बाद जो इंडस्ट्री रीलोकेट होनी थी चाइना से पाकिस्तान, वो स्टेज कभी आई नहीं क्योंकि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की ऐसी मुश्किलात में घिरे कि उसमें से निकल ही नहीं पाए। 2014 का धरना ख़त्म हुआ तो फिर ये फैज़ाबाद का धरना सज गया। पनामा के अंदर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, तफ्तीश होनी चाहिए थी, इकामा के ऊपर निकाला नहीं था जाना चाहिए वज़ीर आज़म को, लेकिन वज़ीर आज़म को इकामा के ऊपर निकाला गया। इमरान खान को हुकूमत मिल गई, 4 वज़ीरों में से किसी एक से वजारत चलाई नहीं गई। फिर जिस तरीके से इमरान को निकाला गया 9 अप्रैल 2022 को, उस तरीके से इमरान को नहीं निकाला जाना चाहिए था। इतिहादी जो इमरान का साथ छोड़ के गए वो वही इतिहादी थे जो इस्टेब्लिशमेंट ने इनको इकट्ठे करके दिए थे। कोई अमेरिका नहीं था इसके अंदर, कोई डोनाल्ड लू नहीं था, ये बात इमरान खान को भी पता है, ये बात शहबाज शरीफ को भी पता है। इमरान खान जिनके कंधों पे बैठ के आया था उन्हीं के कंधों पे बैठ के गया, लेकिन पाकिस्तान का इस सारे अरसे में क्या नुकसान हुआ? कभी हमारी जो लीडरशिप है सिविल और मिलिट्री इसके ऊपर सर जोड़ कर बैठे तो उनको अंदाज़ा होगा कि इस अरसे में पाकिस्तान में गुर्बत कितनी ऊपर चली गई, महंगाई कितनी ऊपर चली गई, बेरोज़गारी में कितना इजाफा हो गया। आज जब ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो जो लेटेस्ट नंबर्स हैं जो सरकारी तौर पर शाया किए गए उसके मुताबिक हमारे देही इलाकों में महंगाई की शरह फूड इन्फ्लेशन 47% है, 47% फूड इन्फ्लेशन है देही इलाकों में। तो लोग मरेंगे नहीं तो और क्या होगा? मेरा अंदाज़ा है कि कम से कम 80-85% पाकिस्तानी जो पॉपुलेशन है या हाउस होल्ड्स हैं, 80-85% पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स या तो वो अपने 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं या बिजली के बिल दे सकते हैं, 2 चीज़ें वो इकट्ठी नहीं कर सकते। अगर वो बिजली का बिल उस महीने का देंगे तो उस महीने उन्हें अपने राशन में से कटौती करनी पड़ेगी, अगर वो उस महीने अपना राशन पूरा लेंगे तो उस महीने उनका बिजली का बिल देने से रह जाएगा। ये 80-85% पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ 4-5% होंगे ऊपर वाले लोग जो इस सूरत हाल में सर्वाइव करके आगे जा सकेंगे, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल सिचुएशन है? बिल्कुल भी नहीं है। आज हमारे पास 3-4 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, वो भी अपने नहीं हैं, उधार के मांगे हुए हैं। कुछ उसमें से पैसा ऐसा भी है जिसको हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज पॉलिसी रेट को 20% के ऊपर ले गए, जो आज डॉलर की क्लोजिंग है वो 285 पे हुई, 285। सोने का रेट देख रहा था तो शायद 2 लाख से ऊपर पे आज सोना है, कोई 2,05,000 या 6,000 पे फी तोला के ऊपर। तो पाकिस्तान में तो लोग सोना देते हैं बेटी को ब्याहते हुए, कोई गरीब आदमी किसी के घर में जा के काम करता है या गाड़ी भी धोता है तो वो 1 तोला भी दे सकता है बेटी अपनी को, तो उसके लिए ख़रीदता है।
क्या वो 2,05,000 का एक तोला खरीद के, एक ही तोला खरीद के अपनी बेटी ब्याहेगा? तो कुछ चीज़ें हमारे अभी सोचने के भी हैं और खौफ खुदा करने के भी हैं। बहुत ही मरूफ एक नात खान है, बड़े दर्द दिल रखने वाले हैं सिद्दीक़ इस्माइल साहब। आज उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने ये उनके कहे के ऊपर मैं ये बात ऑन एयर कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि कुछ हमारे इदारे ऐसे हैं, सैलानी हैं, अलखिदमत फाउंडेशन है जमात इस्लामी का या दावत इस्लामी है, तो ये फलाह का काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो आजकल तो लोग अपना राशन नहीं खरीद सकते। ये कौन कह रहा है? सिद्दीक़ इस्माइल, बड़े इज़्ज़त वाले आदमी हैं, साहिब हैसियत हैं। वो कह रहे हैं कि इन इदारों को नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर लोगों को घरों का राशन देना चाहिए, क्योंकि आबादी का बड़ा हिस्सा वो है जो ना ज़कात लेता है ना खिरात लेता है, लेकिन उन्हें ज़िंदा रहने के लिए रोटी तो चाहिए, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो उनको नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर कोई राशन के पैकेज बना के जिसमें दाल हो, आटा हो, चीनी हो, इस तरह की चीज़ें दें ताकि उन्हें सस्ते दामों मिल जाएँ, लोग इस मुश्किल घड़ी में चंद महीने ज़िंदा रहने के काबिल हो जाएँ। ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। तो क्या हमें इस पर गौर नहीं करना चाहिए? पार्लीमान को इसके ऊपर टाइम नहीं स्पेंड करना चाहिए? पॉलिटिकल लीडर्स को इस पर गौर नहीं करना चाहिए? इमरान खान को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ जो लंदन में बैठ के वो पता नहीं कौन सी सियासत कर रहे हैं, ये उन्हीं कोई मालूम होगा, मेरी समझ से बाल आता रहे हैं वो, क्या इंसानों को बैठ के, हमारे आर्मी चीफ को, हमारे चीफ जस्टिस को, इन लोगों को बैठ के इस पर गौर नहीं करना चाहिए कि इन्हीं लोगों के ऊपर पाकिस्तान है ना? ये पाकिस्तान इन्हीं लोगों के लिए, ये हुकूमत भी इन्हीं से चलती है, तो क्या ये लोग अगर ज़िंदा नहीं रहेंगे तो ये पाकिस्तान को आगे हम कैसे चलाएँगे? तो मेरे आज के प्रोग्राम का यही टॉपिक होगा। और जो मेरे साथ मेहमान शख्सियात हैं, यार लतीफ़ खोसा साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अजमा बुखारी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, अहमद बिलाल महबूब साहब पिलडेट से हमारे साथ शामिल होंगे। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। खोसा साहब, आपसे चाहूँगा कि पहले कुछ रोशनी डालें, ये बका की जंग, लोगों की बका की जंग है, कैसे बचेंगे लोग? देखिए मलिक साहब, जब ये मोहतरम इमरान खान साहब की हुकूमत इम्पोर्टेड थी, आई लाई गई, जो भी है चलें बाहर कर, हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि आइए आइए मीसा के मीशत हम आपस में जो है ये करें, सियासत होती रहेगी। हमने तो मीसा के जमहूरियत भी किया था 2006 में, आपको याद होगा, मई में मोहतरम नवाज शरीफ साहब के साथ। और हालांकि उस वक्त मोहतरम नवाज शरीफ ने तमाम केस मुकदमात जो है शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहिबा और मैडम नुसरत भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ जिस अंदाज से सैफुररहमान को एहतसाब सेल का इंचार्ज बना के जिस तरह उन्होंने हलकान होकर सारी दुनिया में जो है हमारे ख़िलाफ़ डिग आउट करके, और जरदारी साहब के ख़िलाफ़ ड्रग का केस भी इसलिए बनाया ताकि उनको एक्सेस हो सके बाहर के बैंकों से या बाहर की जो है एजेंसी से वो इन्फॉर्मेशन लेने की, क्योंकि दो ही सूरतों में इन्फॉर्मेशन मिला करती है, या ड्रग के में कोई आप बताएं कि इन्वॉल्व है, या आप दहशतगर्दी में बताएं, दहशतगर्दी में कर नहीं सकते तो ड्रग का एक झूठा केस बना के वो भी किया उस हद तक, यानी आपकी थी, मैं तो चूंकि उसमें वकील रहा, हम एक एक अदालत में पाकिस्तान की कोई जेल नहीं थी, कोई अदालत नहीं थी, बेंचों पे बीबी को अभी क्या करें सर जहां आज खड़े, अभी भी कोई ऐसा फ़र्क नहीं है मुझे महसूस हो रहा। अगेन वी आर बैक टू स्क्वायर वन। देखें बात यह है कि हमने वहाँ भी उस वक्त भी बड़ेपन का पीपल्स पार्टी ने सबूत दिया, रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मीसा के जमहूरियत का दस्तखत किए वहाँ और कहा पाकिस्तान जो है नफ़रतों का मुतहम्मिल नहीं है, खुदा रहा आइए मिल बैठ कर हम जो है पार्लियामेंट को भी चलने दें, मदऊ न करें एजेंसीज और दूसरी कुव्वतों को जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं उनको भी हम अंदर ना आने दें, जो भी हुकूमत आए वो 5 साल अपने पूरे करें, मस्बत सियासत करेंगे, ऑपोजिशन करेंगे, ये तमाम चीज़ें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखी हुई हैं। हमने उस पर अमल किया लेकिन बदकिस्मती से हमें वो रिस्पॉन्स ना मिली। आप देखें कि हमने जब 18वीं तरमीम की तो सूबाई ख़ुद मुख्तारी दी जो कि 1973 में ही एनविजन थी, उसको डेफर किया गया था मारूजी हालात की वजह से, कि उस वक्त के मारूजी हालात ये थे कि वफाक को मजबूत होना चाहिए, चूँकि 2 लख्त हो चुका था पाकिस्तान, फ़ौज जो है 93,000 फौजी हिंदुस्तान की कैद में था और 5,000 मुल्क में था। ये जो बंदा भूखे हाथों मर रहा है ना, वो उसको तो ना 18वीं तरमीम समझ आएगी ना आपकी सीओडी समझ आएगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं।